नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ममता किचन पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मीठे नीम यानी करी पत्ता को एक साल तक स्टोर करके कैसे रख सकते हैं, जिससे कि ये खराबी ना हो और हम इसको एक साल तक यूज भी कर सकें। तो आज मैं आपको दो तरह से करी पत्ता को स्टोर करके बताऊँगी कि हम किस तरह से इसको सेफ रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिए हैं करी पत्ता यानी कि मीठे नीम के पत्ते। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेश मीठे नीम के पत्ते हैं। तो इन सभी मीठे नीम के पत्तों को हम डंठल से अलग कर देंगे। इन सारे लीव्स को हम अलग कर देंगे एक प्लेट में। तो इस तरह से हम एक साथ ही अपने हाथ से, अंगुलियों से, इस तरह से हम सारे करी लीव्स को डंठल से अलग कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये इजीली हम इसको अलग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, एक एक पत्ती को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ हम एक डंठल से सारे करी लीव्स को हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और फ्रेंड्स, करी पत्ता यानी कि मीठे नीम हर सब्जी में डालने से सब्जी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जैसे सब्जी, दाल, कढ़ी, सब में करी लीव्स बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और हम हर सब्जी में करी पत्तों को डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं ये सेहत के लिए भी करी पत्ते। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे करी लीव्स को अलग कर लिया है और इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे 2-3 बार पानी में। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है और इन सारे करी पत्तों को हम इस पानी में डाल के अच्छे से वॉश करेंगे। हल्के हाथों से वॉश करना है, मसल के वॉश नहीं करना है। इजीली वॉश करके हमें निकालना है। इस तरह से हम 2 बार वॉश करेंगे अच्छे से। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 2 बार वॉश कर लिया है और इस तरह से हम एक कोई छलने वाला टब लेंगे, उसमें हम सारे करी लीव्स को निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा, जिससे कि हम इसको अच्छे से फिर ड्राई करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे करी लीव्स को धो के अच्छे से निकाल दिया है और इस तरह से हम इनको पानी निकलने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा रख देंगे। और यहाँ पे मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है, इसके ऊपर हम सारे करी लीव्स को सुखा देंगे। आप इसकी जगह कोई सूती का कपड़ा भी ले सकते हैं। इसको हम 1-2 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से इसका पानी है, इसका जो मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और हम इस तरह से इसको अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। इस तरह से पोंछ के हम 1-2 घंटे के लिए इसको सूखने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और अच्छे से ये सूख जाए। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे मिनिमम हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 घंटे के बाद हमारे जो करी लीव्स हैं, जो करी पत्ते हैं, वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप देख सकते हैं, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो इसको अब हम स्टोर करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, करी पत्तों को स्टोर करने के लिए हम एक कोई एयर टाइट कंटेनर लेंगे, जिसमें कि कोई बाहर की हवा अंदर तक ना जाने पाए और वो बिल्कुल ही करी पत्ते हमारे बिल्कुल ही सेफ रहे, जिससे कि पानी भी अंदर तक ना जा सके। मॉइस्चराइजर नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल ही ड्राई रखना है हमें करी पत्तों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से एक बॉक्स लिया है ढक्कन वाला, ये टाइट कंटेनर है आप देख सकते हैं, क्योंकि हम इसको फ्रिज में रखेंगे, इसलिए हमें एयर टाइट कंटेनर बॉक्स चाहिए। और इसके अंदर हम एक टिश्यू पेपर बिछाएंगे। आप इसकी जगह कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, सूती कपड़ा, लेकिन मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर बिछाया है। और सारे करी लीव्स को हम इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे।
इजीली डालना है, ज़्यादा दबा के नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का रखना है इसको। जितने आसानी से इस बॉक्स के अंदर आ सके उतने ही डालना है, ज़्यादा भर के ना डालें और ना ही इसको ज़्यादा दबा कर डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे करी लीव्स इस बॉक्स में इजीली आ चुके हैं, ये देखिए आप। और इसके ऊपर हम एक टिश्यू पेपर लगाएंगे और अच्छे से कवर करना है हमें। इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर हम अच्छे से इसको सारे करेले उसको अच्छे से ढक देंगे जिससे कि बाहर की हवा अंदर तक ना जाने पाए। इस तरह से हम अच्छे से कवर कर देंगे और इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर लगाएंगे हम। इस तरह से आप देख सकते हैं एक और पेपर लगा दिया हमने और ढक्कन बंद कर देंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट अच्छे से पैक हो चुका है करी लीव्स। और ये करी लीव्स हमारे 1 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे, ये इसी तरह रहेगी। और हमें जब भी हरी पत्तियों हरी करी लीव्स की ज़रूरत होगी तो हम इसमें से निकाल के काम में ले सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि करी लीव्स में थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर है तो आप टिश्यू पेपर को हटा के दूसरे पेपर लगा सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम ये करी लीव्स मैंने 1 साल तक के लिए स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे सुखा के रखी है सूती कपड़े पे। तो ये 2 से 3 दिन तक अच्छे से ड्राई हो जाएगी, अच्छे से सूख जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको हमें 2 से 3 दिन तक सुखाने के लिए रखना है। और ध्यान रहे धूप में नहीं सुखाना है, हमें छाया में ही सुखाना है। और आप चाहे तो पंखे के नीचे सुखा सकते हैं, क्योंकि धूप में सुखाने से एक तो इसका कलर बहुत पूरा चेंज हो जाएगा और ये इसके अंदर डस्ट वगैरह लगने का भी चांस रह सकता है, इसलिए आप इसको छाया में सुखाएं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 से 3 दिन की बाद की शूटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे करेले अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, क्योंकि वो हरी पत्तियाँ थी और ये थोड़ी सी फीकी लग रही हैं। तो इस करेले को भी हम अच्छे से बॉक्स में भर के रख सकते हैं, 1 साल तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और ये अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो इसको हम इसी तरह जिस तरह से हमने ग्रीन वाली करी लीव्स को बॉक्स में भर के रखा था उसी तरह हम इन करी लीव्स को भी बॉक्स में भर के रख सकते हैं। और उसके नीचे भी हम इस तरह से कोई सूती का कपड़ा या टिश्यू पेपर बिछा के रख सकते हैं और इसको हम 1 साल तक यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप चाहे तो इन सूखी हुई करी पत्तों को फ्रिज में रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे बाहर भी रख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ममता क्रिएशन, स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।